पंच तत्व में विलीन हुए शहीद मनोज कुमार सिक्किम के जेमा में हुए आर्मी ट्रक हादसे में झुंझुनू के बुआनो खंड के माजरी गांव के शहीद मनोज कुमार की राज्य के सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। शहीद के बड़े भाई प्रमोद कुमार ने शहीद की चिता को मुखाग्नि दी। सुबह पचेरी से शहीद मनोज कुमार की पार्थिव देह तिरंगा यात्रा के साथ रवाना हुई। पचेरी से माजरी तक 6 किलोमीटर तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में युवा और आसपास के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। तिरंगा यात्रा माजरी गांव के मुख्य रास्ते से होती हुई शहीद मनोज कुमार के पैतृक आवास पहुंची। शहीद की पार्थिव जैसे घर जैसे ही पहुंची घर में गमगीन माहौल हो गया। शहीद की पत्नी ज्योति लगातार बेसुध होने लगी। सामाजिक रस्मों रिवाजों के बाद पार्थिव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास बनाए गए अंत्येष्टि स्थल पर पहुंची, जहाँ पर सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा, सांसद नरेंद्र कुमार, जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोटी, SP मृदुल कसावा, पूर्व सांसद संतोष अलावत, विधायक सुभाष पूनिया, सूरजगढ़ पूर्व विधायक शरण कुमार, नीता यादव ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आर्मी के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शहीद के भाई प्रमोद और पिता जगदीश प्रसाद को राष्ट्र ध्वज सौंपा गया। शहीद के भाई प्रमोद कुमार ने शहीद चिता को मुखाग्नि दी। सभी झुंझुनू जिला शहीदों का जिला है, सैनिकों का जिला है, और इसमें जब भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी यदि सेना के अंदर कोई भी शहीद होता है, कोई भी घटना घटती है, तो हमारे तो किसी न किसी परिवार को तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, और ये हमारे लिए फखर का भी सभी है। और लेकिन जिस बहन का सुहाग कुर्बानी है, बलिदान दे जो इन्हें दिया है देश के लिए, उसको हमें सभी प्रदेशवासियों को इस पर घमंड है, प्राउड है। सर, यूपी के मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपए की घोषणा की है राज्य सरकार की तरफ से, आप हम तो देते ही है, पहले से कर रखा हमने। तो पहले हम शहीद को 25 लाख रुपए देते थे, वो हमने तो कर ही रखा है, पहले से कर रखा है। इसकी सर ऑथेंटिक कोई घोषणा? देखिए, ये सरकार का, हमारी कैबिनेट का फैसला है, जो भी शहीद होता है हम उनको अनुकंपा नियुक्ति भी देते हैं। और अब तो हमने 71 से पहले के जो शहीद हुए, चाहे 65 में, 47 में, 62 में, उनको भी हम नौकरी दे, उनके नाते पोतों को भी हम नौकरियाँ दे रहे हैं। झुंझुनू जिले के मांजरी गांव जो ग्वाला तहसील में पड़ता है, यहाँ से लांसनायक मनोज कुमार यादव की शहादत हुई है। और जैसा कि आपको विदित है, झुंझुनू वीर प्रसूता भूमि है, वीरों की भूमि है, शौर्य की भूमि है, त्याग की भूमि है। यहाँ के जवानों की जो है शहादत का सिलसिला लगातार जारी रहता है, आप जो है देखते रहते हैं। भारतवर्ष का कोई भी हिस्सा हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे लेह लद्दाख जैसा दुर्गम इलाका हो, चाहे ये सिक्किम और मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल जैसा नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, हर जगह झुंझुनू के जो है जवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात है, और जो है अपने प्राणों की परवाह करे बगैर जो है अपने ड्यूटी को अंजाम देते हैं। और उसी क्रम में जो है झुंझुनू के एक और वीर शहीद ने जो है अपने प्राणों की सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश की रक्षा करते हुए शहादत दी है। इस शहादत को मैं जो है नमन करता हूँ, वीर भूमि झुंझुनू की भूमि को नमन करता हूँ, और शहीद के परिवार को जो है मैं अपनी तरफ से जो है सांत्वना प्रेषित करता हूँ। और दुख की घड़ी में सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है, और पुनः मैं इस शहीद परिवार को अपनी तरफ से नमन करता हूँ। शहीद मनोज कुमार जी के परिवार को झुंझुनू पुलिस की तरफ से मैं सांत्वनाएं प्रेषित करता हूँ, और संपूर्ण झुंझुनू पुलिस जो है शहीद परिवार के साथ खड़ी है। और आने वाले समय में शहीद मनोज कुमार का जीवन जो है हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। हमारे ज़िले के, प्रदेश के और देश के युवा सैन्य सेवाओं में आने के लिए अग्रसर होंगे और प्रेरित होंगे, ऐसे में काम करेंगे। सूरजगढ़ विधानसभा में इस माजरी गांव में आज शहीद मनोज कुमार को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचे हैं। हमारे झुंझुनू ज़िले में सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं, सबसे ज़्यादा सैनिक देता है। भारत में एक ऐसा जिला है जो सैनिकों को और शहीदों की दृष्टि से सबसे आगे है, ना कि मातृभूमि में, कण कण में
भारत के युवाओं में या दोनों के युवाओं में ये एक तरह से हमारे देश की प्रेम की भावना, रक्षा करने की भावना अच्छी हुई है। मैं धन्य ऐसे माता पिता जिन्होंने मनोज कुमार को इस गांव में जन्म दिया, जो देश के लिए शहीद हुआ। लेकिन इसमें माता पिता के सामने उनका बेटा जब चला जाता है तो इससे बड़ा कोई उनके दुख नहीं है, दुख भी है। मैं सभी से और हम सभी ये आश्वासन देते हैं उनके परिवार को, किसी तरह की महसूस नहीं होने देते कि मनोज कुमार नहीं है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना चाहता हूँ कि मनोज कुमार को आत्मा को शांति मिले। जय हिंद, जय हिंद। जिले का वीरता का इतिहास रहा है और झुंझुनू जिले में शहादत का भी एक अपना इतिहास है। देश में सर्वाधिक सैनिक, सर्वाधिक शहादत, उसी में आज एक कड़ी और जुड़ी है। पचेरी के पास इस माजरी गांव के शहीद मनोज जी ने अपनी शहादत देकर आज हम सबको गौरवान्वित किया है। मैं इस मौके पर शोक संतप्त परिवार को पूरे विधानसभा क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन पेश करते हैं। झुंझुनू जिला शहीदों की और वीरों की भूमि मानी जाती है और उसी उपलक्ष्य में आज एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे यहाँ गांव का एक लड़का मनोज कुमार शहीद हो गया, उसके उपलक्ष्य में पचेरी से गांव माजी तक के लिए 6 किलोमीटर के लगभग तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यह इस बात का द्योतक है कि हमारा जिला शहादत में सबसे आगे था, है और रहेगा। हमारे युवाओं में इसके प्रति और जोश आता है, जैसे जैसे शहीद होते हैं एक निश्चित रूप से हम अपने वीरों को खोते हैं, लेकिन जज्बे का कोई कमी नहीं रहती है और युवाओं में और जोश भरा रहता है।